जय श्री कृष्ण। नई नवेली किचन में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिरयानी। ये जो बिरयानी हम आज बनाने जा रहे हैं, ये हमारी ऑथेंटिक बिरयानी नहीं है, जो हैदराबादी बिरयानी होती है उससे मिलती जुलती। मैंने दो तीन रेसिपी देखी थी, लेकिन फाइनली मुझे ये बिरयानी बना के बहुत मजा आया और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आई। तो चलिए आप भी नई नवेली किचन में मेरे साथ बनाइए बिरयानी। आइए मैं आपको अपनी बिरयानी की सामग्री से मिलवाती हूँ। यहाँ पर हमने बिरयानी को हम दो पार्ट में बनाएंगे, एक पार्ट में हम सब्जियाँ बनाएंगे, दूसरे पार्ट में हम चावल बनाएंगे। तो यहाँ पर चावल को मैंने अच्छे से धोकर भिगो लिया है, 15 से 20 मिनट कम से कम इसको हम भिगोएंगे। तो ये चावल है यहाँ पर 2 कप। इसके साथ में मेरे पास है कुछ हरा धनिया और कुछ पुदीना, साथ में ये 1 बड़ा चम्मच बेसन और 1 कप दही। इसके साथ में मैंने जो सब्जियां कट की है, ये है हमारे पास बीन्स, गोभी और गाजर। इनको आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा अपनी मात्रा के हिसाब से कर सकते हैं। वैसे ये लगभग 100-100 ग्राम है। इसके साथ में 2 बड़े टमाटर कट किए हुए। आप चाहें तो इन सब्जियों में अपनी पसंद की और भी कोई सब्जियां ऐड कर सकते हैं, या आलू भी ऐड कर सकते हैं। कई लोगों को आलू बहुत पसंद होता है, तो आप यहाँ पर आलू भी ऐड कर सकते हैं, या कोई सब्जी आपको नहीं पसंद तो उसको हटा भी सकते हैं। इसके साथ में है 2 हरी मिर्ची कटी हुई। यहाँ पर है कुछ मसाले जो भी हम इस्तेमाल करेंगे, ये है 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा, 3 से 4 हरी इलायची, यहाँ पर 8 से 10 काली मिर्ची है, 3 से 4 लौंग है और 1 स्टार एनिस फूल है। देखिए ये स्टार फूल है, ये अधिकतर चावल बनाते समय किसी भी चीज में फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप प्लेन चावल भी कभी घर में बनाते हैं तो उस समय इस फूल को डाल दीजिए और चावल बनने के बाद हटा दीजिए, चावल में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साइड में हम चावल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया दही, और एक चीज आपको मैं बताना भूल गई, ये है हमारे पास प्याज। इन प्याज को बरिश्ता बना के पहले हम तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमारे पास समय लगता है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, बरिश्ता बनाने के लिए आपने एक कढ़ाई में प्याज का लच्छा काट के डाल दीजिए और उसको आराम से भुनने दीजिए। जब वो ब्राउन हो जाए तो उसको निकाल कर इस्तेमाल करेंगे हम। और साथ में यहाँ पर हम लेंगे ये सब्जियां हैं, यहाँ पे हम डाल रहे हैं काली मिर्ची पाउडर, ये है 10 से 15 काली मिर्च का पाउडर डाला है यहाँ पर। ये बरिश्ता इस्तेमाल करेंगे हम इसमें, क्योंकि बरिश्ता के बिना सब्जियों इसका जो हमारा बिरयानी का स्वाद है वो बहुत अच्छा नहीं आता है। तो पूरा नहीं इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा हम बाद में ऊपर डालने के लिए रखेंगे। ये लगभग मैंने 4 प्याज लिए थे, उनका बरिश्ता बनाया है। इसके साथ हम एक एक करके सारी सब्जियां मिक्स करेंगे। पहले हम मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर है धनिया, ये पुदीने के जो पत्ते हैं इनको हम फ्रेश इस तरह से तोड़ के डालेंगे। इसमें पुदीने का पत्ता बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हम मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और जीरा। हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, नमक नहीं डालेंगे नहीं तो हमारी सब्जियाँ पानी छोड़ देगी। अभी सारी सब्जियाँ मिक्स कर देते हैं। टमाटर डाल देते हैं, और यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो हम इसको हाथ से मिक्स करते हैं। ये सारी सब्जियां मिक्स हो गई है। अभी इसमें यहाँ पर हम 1/4 कप तेल डालेंगे और फिर इसको मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चावल बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक भगोनी में पानी गर्म चढ़ाया है, और ये जो हमने खड़े मसाले लिए थे, तेज पत्ता, इलायची और लौंग, ये सभी हमने इस पानी में मिला दिए हैं। साथ में डाल दिए हमने हरी मिर्ची। इसके साथ में मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ हरे पत्ते की, हरे धनिये की डंडियों का। इन डंडियों से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है।
तो यहाँ पे धनिया की जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं धनिया की डंडियों का। इससे पर हम डाल देते हैं चावल, क्योंकि हमारा पानी उबल गया है। यहाँ चावल डाल दिए हमने। चावल को सिर्फ हमें 80% पकाना है। यहीं पे हम नमक डाल देते हैं। नमक चावल के टेस्ट के अनुसार डालना है। यहाँ पर हम लोग 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो तेल भी मिला सकते हैं, इससे चावल हमारे खुले खुले बनेंगे और उसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। यहाँ पर हम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिया है तेल मैंने। ये तेल वही है जिसमें मैंने अपने प्याज को फ्राई किया था, तो जो बच गया उस तेल का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इसमें प्याज की एक बहुत अच्छी खुशबू आती है जो हमारे बिरयानी को एक अच्छा टेस्ट देगी। इसमें थोड़ा सा तेल हम और मिलाएंगे, और जो हमारी मैरिनेट की हुई सब्जियां हैं उनको इसके अंदर मिक्स करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो गया है, और यहाँ पे हमने एक प्याज काट लिया है इस तरह से लहसुन में। सबसे पहले हम इस प्याज को थोड़ा सा गुलाबी होने देंगे। देखिए अभी प्याज हमारे हल्के गुलाबी होने लग गए हैं। अभी यहाँ पर मैंने फ्रेश कटा हुआ ये जिंजर और गार्लिक लिया है, अदरक और लहसुन थोड़ा सा, 1 टीस्पून के जितना। सबसे पहले कई लोग लहसुन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लहसुन का इस्तेमाल बाद में करना चाहिए प्याज के, क्योंकि लहसुन हमेशा जल जाता है। अभी इसको भून लिया है हमने, इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। साथ में अभी ये जो सब्जियां हमने मैरिनेट करके रखी थी ये सब्जियां ऐड कर देते हैं। ये स्पैचुला का बहुत बड़ा रोल है, ये पूरा बर्तन साफ कर देता है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये हमारा चावल, इसको देख लेते हैं हम। देखिए 80% पक गया है, लेकिन अभी इसमें हल्का सा कच्चापन है। यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और चावल छान लेते हैं। देखिए इन चावलों को अब ठंडा होने के लिए किसी परात में निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ 5 से 7 मिनट हो गए हमारी सब्जी को। देखिए सब्जी हमारी अच्छे से भून गई है। देखिए अभी तक हमने इस सब्जी में नमक नहीं डाला था, तो इसमें सब्जी में नमक सब्जी के हिसाब से ही डालना है, क्योंकि चावल में हम नमक ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो यहाँ पर नमक डाल दिया आपने, और साथ ही डाल रहे हैं हम इसमें बिरयानी मसाला। ये 1 चम्मच बिरयानी मसाला बहुत होता है, ये घर का मसाला है। अगर आप भी बिरयानी मसाला बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नमक डालने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट और पकाएंगे, ताकि हमारी सब्जी अच्छे से पक जाए। देखिए 5 मिनट और हो गए हैं, इसको अच्छे से सब मिक्स हो गया है। अभी यहाँ पर हम इसमें अपने चावल मिक्स कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने चावल सारे सेट कर दिए। अभी यहाँ पे डाल देते हैं हम थोड़ा सा पुदीना, क्योंकि पुदीने से हमारी बिरयानी में एक बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। साथ ही डाल देते हैं हम कुछ बरिस्ता जो हमने बचा लिया था। कुछ काजू मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। यहाँ पे है हमारे पास दूध जो हमने केसर घोल के रखी थी। देखिए अभी इसको अच्छे से ढक देते हैं और 5 से 7 मिनट और होने देते हैं। इसके ऊपर कुछ वजनदार रख देते हैं। इसको ऐसे ढक के अब इसको हम 5 से 7 मिनट और पकने देते हैं। जो हमारी सब्जी और चावल जो 80% पके हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अभी हमने यहाँ पे एक तवा गरम किया है, और तवे पे हमने अपनी बिरयानी रख दी है, ताकि इसमें एक अच्छा सा दम आ सके, और गैस हमने मीडियम पे रखी है। देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, इसको हमने तवे पे रख के अच्छे से इसको पकने दिया है। गैस को बंद कर देते हैं, 5 मिनट के बाद इसको हम खोलेंगे,
तब तक हम अपना रायता बना लेते हैं। यहाँ पे बिरयानी का रायता बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं हरा धनिया आधी कटोरी, थोड़ा ले रहे हैं पुदीना, इसमें ये दो तीन कलियां हम छोटी छोटी लहसुन की डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, पर इसके साथ बिरयानी का एक अच्छा टेस्ट आता है। साथ में डाल रहे हैं एक हरी मिर्ची, इसमें डाल रहे हैं हम थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरा, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर फिर इसको ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए ये हमने मिक्स कर लिया, इसको दही में मिला देते हैं, तो थोड़ा पानी और मिला देते हैं क्योंकि दही हमारा गाढ़ा है और दही को पतला रखना होता है। अच्छे से दही के साथ मिक्स करके अब इसमें नमक, आप सादा नमक अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा और ऐड कर लीजिए। देखिए इसको खोल लेते हैं, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर, और आपका चावल देखिए बिल्कुल खुले खुले बने हैं। देखिए ये बनने के बाद इसको जब भी सर्व करें, सर्व करते समय इस पे थोड़ा सा घी और डालें और इसको सर्व करें। वाह! आहा आहा